अहम और बड़ी खबर उनाव से आ रही है, जहां पर जन चौपाल के दौरान यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित गुस्से में नजर आए और उन्होंने गुस्से में माइक भी फेंक दिया। जानकारी ये मिल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष जन समस्याओं को सुन रहे थे। इस दौरान मंच पर खड़े नेताओं के बीच में बार बार बोलने लगे और मंच पर खड़े लोगों को मंच से उतरने के लिए कहा। गांव वाले सफाई कर्मी ना आने की शिकायत कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर कर्ण गांव में चौपाल लगा रहे थे। उस दौरान क्या कुछ हुआ आप खुद देखिए और सुनिए। आप सफाई पर बताओ कहां रहे हैं? क्यों बात कर रहे भाई? आप कौन होते हैं यहां से बात करने वाले? आप सफाई पर बताओ कहां रहे हैं? शंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दयाशंकर, क्या हुआ वहां पर, आखिर क्यों गुस्सा हो गए हृदय नारायण दीक्षित? जी मृदुल, बता देना चाहता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हृदय आए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में सिकंदरपुर गांव में चौपाल कर रहे थे। वहां पर एक प्रधान है जो सफाई कर्मी की शिकायत करने के लिए वो खड़ा हुआ था। वो कई बार शिकायत करने का प्रयास करता था, सुन तो रहे थे लेकिन और काफी लोग शिकायतें दर्ज कराने लगे। उसको लेकर ऋषि नाराज हो गए, माइक जो है पीछे मेज पे फेंक दिया। उसके बाद जो लोग मंच पे खड़े हुए थे उनको हटने के बोले, काफी गुस्सा दिखाते हुए जिनकी शिकायत दर्ज करा रहे थे। बहुत शुक्रिया दयाशंकर तमाम बातचीत के लिए। तो जब वहां पर स्थिति थोड़ी सी असमंजस में थी, बार बार नेताओं के बीच में बोलने की हिदायत भी दी लेकिन सफाई कर्मी भी पहुंच गए, नारेबाजी होने लगी, तब उन्होंने अपना आपा खो दिया, गुस्से में वहां पर माइक फेंक दिया और वहां पर डांट फटकार दिया।